Hello everyone, welcome to my channel NCERT Learning Hub. Today we are going to solve question number 3 of exercise 9.3 and the question is find the product. Hame kya karna hai? In given ration numbers ka hame product nikalna hai, means multiply karna hai. And hum wo question solve karenge jahan par kya hai जो आपको थोड़ा डिफ़िकल्ट पड़ सकते हैं मैं वो क्वेश्चन सॉल्व करूँगी. एंड दैट इज़ 1, 2, 3 and 6. फोर्थ एंड फिफ्थ इज़ ईजी, यू कैन डू इट योर सेल्फ. सो लेट्स स्टार्ट विथ पार्ट 1. तो यहाँ आप देख रहे हैं 9/2 मल्टीप्लाई -7/4. अगर क्रॉस में कोई भी नंबर न्यूमरेटर डिनोमेटर कोई कैंसिल हो रहा है तो हम उसको कैंसिल कर सकते हैं, नहीं हो रहा है तो वी कैन डायरेक्टली सॉल्व. ठीक है, तो यहाँ पर देख रहे हैं आप 9 के साथ मल्टीप्लिकेशन में कौन है, 7 है. न्यूमरेटर वाले नंबर्स न्यूमरेटर से ही मल्टीप्लाई होंगे, डिनोमिनेटर वाले नंबर्स डिनोमिनेटर से ही मल्टीप्लाई होंगे. एंड कैंसिल कैसे होंगे, डिवाइड कैसे होंगे, न्यूमरेटर वाला डिनोमिनेटर से, डिनोमिनेटर वाला न्यूमरेटर से. ओके, तो 9 7 63 एंड 4 2 8 और साथ में नेगेटिव का साइन भी है. फिर आते हैं सेकेंड पार्ट पर, कैंसिल हो रहा है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से, नहीं हो रहा है यहाँ पर भी, नहीं हो रहा है तो ये क्या हो जाएगा, 9 3 27/10 हो जाएगा. ओके, मूविंग टू थर्ड पार्ट, -6/5 मल्टीप्लाई 9/11. कोई नंबर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से नहीं कैंसिल हो रहा है तो हम क्या करेंगे, इनको डायरेक्टली मल्टीप्लाई करेंगे. तो ये हो जाएगा आपका 6 9 54. साथ में नेगेटिव साइन है तो आप वो भी लिखेंगे. एंड 5 × 11 तो कितना हो जाएगा, 55. नाउ मूविंग टू सिक्स पार्ट, कैंसिल हो रहे हैं तो हम कैंसिल करेंगे, नहीं हो रहे हैं तो हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे. तो आप देख रहे हैं न्यूमरेटर ये नहीं हो रहा है, इससे डिवाइड नहीं आता 5 इसके टेबल में, ना 5 के टेबल में 3 आता है. लेकिन हम देख रहे हैं यहाँ पर न्यूमरेटर और ये वाला डिनोमीटर, 3 1 3 एंड 3 1 3, ये कैंसिल हो गया. अब आप ये भी देख रहे होंगे 5 1 5 5 1 5. अब हमारे पास ऊपर क्या बचा, 1 × 1. ठीक है, तो 1 × माइनस नेगेटिव भी है यहाँ पर, एंड नीचे भी क्या बच रहा है, -1 × 1. तो ये तो हो गया 1 1 1, साथ में नेगेटिव का साइन है, यहाँ पर भी 1 1 1 नेगेटिव का साइन, तो ये तो कैंसिल हो गया, क्या बचा 1. ओके,